बिहार में जमीन के दाखिल खारिज यानी मोटेशन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए एक और कदम उठाया गया है। मोटेशन के ऑनलाइन आवेदनों के निपटारा में भी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने तकनीक का सहारा लेना शुरू कर दिया है। इसके लिए जो सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है उसमें आवेदन रद्द होने के वाजिब कारणों को फीड कर दिया गया है। इन कारणों से अलग जाकर कोई भी मोटेशन का आवेदन कर्मचारी या दूसरे अधिकारी रद्द नहीं कर पाएंगे। विभाग ने बड़े पैमाने पर दाखिल खारिज के आवेदन रद्द होने के मामले को देखते हुए एक नई व्यवस्था बिहार में लागू की है। विभाग की तरफ से आवेदन रद्द करने के कुल 35 कारण सॉफ्टवेयर में फीड किए गए हैं। सॉफ्टवेयर में इन सभी वाजिब कारणों को दो मैसेज भागों में बांटा गया है। विभाग के मुताबिक 15 कारणों को जनरल कैटेगरी में रखा गया है। रद्द करने का कारण इन 15 में से कोई है तो उसका चयन करते ही आवेदक के मोबाइल पर मैसेज चला जाएगा। मैसेज में आवेदक को उन कमियों को दूर करने के लिए 7 दिन का समय मिलेगा। इस दौरान आवेदक अगर कमी को दूर कर देता है तो आवेदन रद्द नहीं होगा। बाकी कारणों को मेन कैटेगरी में रखा गया है। अगर कर्मी इनमें से किसी कारण से आवेदन रद्द करते हैं तो उन्हें बताना होगा कि आखिर किन खामियों की वजह से आवेदन रद्द किया जा रहा है। हालांकि विभाग की माने तो इस नई प्रक्रिया से मोटेशन के आवेदन रद्द होने की संख्या घटेगी। विभाग के ऐसे कर्मियों की मनमानी पर रोक लगेगी जो मोटेशन को उगाही का रास्ता मानते हैं। सॉफ्टवेयर आने से पहले कर्मी ही खुद अपने हाथ से कारण लिखकर आवेदन रद्द कर देते थे। आवेदक को जानकारी तक नहीं दी जाती थी। कर्मचारियों की मनमानी करने की शिकायतें बहुत आने लगी और अपील में जाने पर मुकदमों की संख्या बढ़ने लगी। लिहाजा विभाग ने ऐसी व्यवस्था लागू की है जो पारदर्शी है। अब इसके लिए एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया गया है। उस सॉफ्टवेयर में करीब 35 कारण फीड किए गए हैं।